10 मिनट बैठ करके फिर पापा को दिखाते हैं सूर्य घड़ी क्या क्या सिस्टम है। आज धूप भी नहीं है तो ये टाइम भी क्या बताएगी। रास्ता बता रहे थे आप। मैंने सोचा खतरों के खिलाड़ी, मैंने सोचा फिर कम चलना पड़े। हाँ, कम के चक्कर में ज्यादा ही चलना पड़ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम सब बढ़िया हैं और आज के व्लॉग की करते हैं शुरुआत। अभी हम थोड़ा सा बाहर टहलने को निकले थे। मैंने आपको बताया था 2 दिन मैं घर पे रहूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि बसें भी कम मिल रही हैं, मेट्रो में भी बहुत सारी आजकल दिक्कत आ रही है आने जाने में, और 1-2 दिन बस ऐसे रहेगा। तो अभी बस ऐसे बाहर निकले हुए हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया है और ऐसा लग रहा है आज या कल बारिश हो सकती है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है हमारे गांव में 26 जनवरी को भंडारा होता है और उस दिन बारिश की बूंदें पड़ती जरूर हैं। तो आज देखिए गाइस पूरे बादल हुए पड़े हैं और तो आज थोड़ी रेस्ट की, मैं क्या घर के कुछ काम निपटाते हैं, थोड़ा ऐसी सैर सुर करने के लिए निकले हैं। टाइम शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी ये देखिए रास्ता, पता नहीं कौन से रास्ते में मैं जा रहा हूँ और यही है कुछ ऐसे जी मेन रोड है वहाँ पर चलता तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा कि यहीं से चलते हैं। एक पार्क है, आप मैं पहले उस पार्क में गया हूँ, वीडियो बनाई है, थोड़ा उस पार्क में बैठते हैं। कुछ भी कह लो गाइस, लेकिन ये सीढ़ियाँ साथ नहीं छोड़ती, वो तो कुछ सोया हुआ है। तो अभी भी ये तकरीबन 30-35 सीढ़ियाँ होंगी, इतना सोचो कि रेस्ट करेंगे नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन अभी गाइस पहुंच चुके हैं पार्क में, देखिए कितना प्यारा सुंदर यहाँ का व्यू है। इस तरह से ऊपर ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये वही पार्क है, सूर्य घड़ी पार्क, सनडायल पार्क। आज मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा जा कर के वहाँ बैठते हैं, थोड़ा वेदर देखें बाहर का कैसे है। घर में बैठे बैठे पता चलता नहीं है बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अभी इतना चल के आए हैं, 10 मिनट जहाँ पर बैठते हैं फिर आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, बच्चे सामने बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो अभी पहली बार आए इस तरफ? पहली बार। तो सामने देखो वो, देख के आओ। चलो गाइस 10 मिनट बैठ करके फिर पापा को दिखाते हैं सूर्य घड़ी क्या क्या सिस्टम है। आज धूप भी नहीं है तो ये टाइम भी क्या बताएगी, है ना? तरफ हाईवे है, इसके चारों तरफ हाईवे है तो बीच में ये सारा बना दिया बैठने उठने के। हवा पूरी तरह से चलने लग गई है, लगता है कि 1-2 घंटे में बारिश आ जाएगी। ये देखिए पूरे दरख्त हिल रहे हैं, बादल काफ़ी हुआ है। पापा मम्मी वो सामने बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको पार्क दिखा दें। तो ये देखिए कितने सुंदर प्यारे फूल लगे हुए हैं जहाँ पर। चलिए गाइस अंदर चलते हैं, इस तरफ से पापा को दिखाते हैं सूर्य घड़ी। सो आप भी देखिए गाइस, ये है सारा, जिस साइड पर सारे ना नंबर दिए गए हैं, 1 से लेकर के 12 तक जो घड़ियों के नंबर होते हैं, और बीच में ये बनाई गई है और जब सूर्य पड़ता है तो टाइम बिल्कुल करेक्ट बताती है। मैंने इस पे पहले ब्लॉग बनाया हुआ है सूर्य घड़ी पार्क पर, तो आप देख सकते हैं तब 3:30 बजे हुए थे तो ये भी सही टाइम बता रही थी। बहुत ज़्यादा जहाँ पर फ्लावर लगाए हुए हैं ये देखिए कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, वाइट हैं ये, येलो, बहुत बढ़िया है। गाइस हमारे गांव में भी एक गुलाब का पौधा था, वो तकरीबन 4-5 रंग के ना रंग चेंज करता था, जैसे उसने स्टार्टिंग में वाइट, फिर उसके बाद वो येलो हो जाता था, उसकी हल्की हल्की पत्तियां रेड हो जाती थी और फिर पिंक हो जाता था। उसी प्रकार से जहां पर भी लगा हुआ है, एक ही किसी को रेड लगा हुआ है, एक को पिंक है, उसमें एक वाइट है, तो ऐसा हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये है गाइस लाल सरसों, सरसों है पक्का, तो सामने एक्सरसाइज हो रही है। गाइस एक छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जहाँ एक जगह खड़े होकर के मैं पूरा सिनेमैटिक व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा डॉगी आ गया है। हेलो, भागो मत मुझसे, भाग ही रहा है, मैं उससे डर रहा हूँ वो मुझसे डर रहा है। तो जहाँ का सिनेमैटिक व्यू आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा है। तो अभी गाइस चलते हैं घर को, टाइम भी तकरीबन 5:15 होने वाले हैं। तो आए उस तरफ से थे तो मम्मी कहती हैं इस तरफ से भी बाहर को रास्ता निकलते हैं, तो चल करके देखते हैं
नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं आजकल। ये भी एक पेड़ है, ये देख लीजिए। तो यहीं से सीधा बाहर की तरफ चलते हैं। बात कुछ ऐसे है, रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते। देखो कितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, ऐसे कोई सिस्टम ख़राब हो जाए तो। अभी वहीं से चलते हैं जहां से निकले थे। यहां से गाइस गाड़ी रुक नहीं रही, तो क्यों पंगा लेना बिना मतलब के। अभी हम गाइस फिर से वापस आ गए हैं पार्क में। तो जो रास्ता है वहीं से चलते हैं, इधर उधर से क्यों जाना, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना। तो यहीं से आगे निकल के बाहर की तरफ निकलते हैं। क्या हुआ अम्मी? हाँ जी, रास्ता बता रहे थे आप। मैंने सोचा खतरों के खिलाड़ी, मैंने सोचा भी कम चलना पड़े। हाँ, कम चलना पड़े, मैं ज्यादा ही चलना पड़ गया जी। ऐसा लग रहा है जैसे ना पालक हो, जिसके ऊपर फूल आना हो तो यही पालक बन जाए। अभी जा रहे हैं, बारिश बुरिश हुई नहीं है कुल मिला करके, क्या पता कल हो जाए बारिश। ऐसे एक सॉन्ग याद आया, बारिश ता बदला ते तो मोर की किस्मत है, बाकी मोर की किस्मत है। गाइस पहले इस प्रकार पिलर बनता है, इस प्रकार ना इसको बिठा रहे हैं सांचे में, जो लोहे का बनाया हुआ है इसमें सांचे में बिठा करके ना क्रेन से इसके बीच में फिर वो सीमेंट भर देंगे। ये देखिए इस प्रकार, अभी बिठाने बिठोने में भी एक दो घंटे लग जाएंगे। चलें, चलो चलिए। वो दूध सामने निकल रहा है गाय का, क्या बात है। अभी इसको चढ़ते हैं धीरे धीरे से आराम से। जे गाइस आनंद विहार को बस जा रही है, एसी बस है। बसों के किराए बहुत ही कम है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। गुड़गांव को जा रही है बस, लेडीज़ के लिए फ्री, जिसमें मर्जी बैठ जाओ टोटल बस फ्री, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, एसी हो, और चाहे वो विदाउट एसी हो। जे गाइस कितने प्यारे खरगोश हैं। हेलो, दिल करते घर ले जाऊँ इनको। ये डॉगी है देख रहे हैं। हाँ जी, ये नहीं डर रहा मुझसे, सर्दी है। देख रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं। मत डरो मत, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। सो भी गाइस हम घर पहुँच चुके हैं, और पापा इधर घी को गर्म कर रहे हैं, मतलब मक्खन को गर्म कर रहे हैं और घी को निकाल रहे हैं। और ओम प्रकाश भाई लेकर के आए थे बिहार से पेड़े, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो पता नहीं मम्मी ने कहाँ रखे हुए, मम्मी से पहले पूछते हैं। मम्मी पेड़े कहाँ रखे हैं? फ्रिज में। ये गाइस रखे हुए हैं, ध्यान से गिर ना जाए, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो इस प्रकार के जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मम्मी अंदर रूम में बैठे हुए हैं, बहन से बातें कर रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम रजाई में बैठते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं। सो भी गाइस मम्मी रात्रि के खाने की तैयारी कर रहे हैं, और अभी रात्रि के खाने में बन रहा है आलू मटर की सब्जी, जो मैं मंडी से सब्जी लेकर के आया था। सब्जी तो ख़त्म हो चुकी है, अभी तक भी आलू और प्याज चल रहे हैं। तो मटर अभी पड़े हुए थे, तो वही मम्मी डाल करके मटर, थोड़े से मटर हैं, आलू डाल करके सब्जी बना देंगे। और मुझे जुकाम भी हो चुका है, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो उस कारण से ना थोड़ी सेहत इतनी ठीक नहीं लग रही। गाइस जब हम गांव में थे, जब जलंधर में थे, तो 15 अगस्त या 26 जनवरी के बारे टीवी में देखते थे। इस बार सोचा था कि मैं दिल्ली में आया हूं, तो वहां चल करके 26 जनवरी हम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पता नहीं इसकी टिकट मिलती है, कहां पर जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मुझे इतना पता नहीं था। टाइम भी ऐसे ही निकल गया हाथ से, और सो अभी वही है कि घर बैठे बैठे ही टीवी में देख लेंगे। तो अगली बार देखने चलेंगे, पता नहीं वो देखने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अभी मोनू भाई कह रहे थे कि आप जा सकते हो, लेकिन बसें और मेट्रो दोपहर तक बंद रहेंगी, तो आपका अपना ही कोई व्हीकल हो तो उसी पर आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पर पता नहीं भीड़ भड़का होगा, क्या माहौल है। सो कल घर बैठे ही टीवी पर देखेंगे 26 जनवरी, कोई बात नहीं। इधर सब्जी पूरी काटी जा रही है। सुबह सिलेंडर भी आ गया था, कल सिलेंडर जो खत्म हुआ था तकरीबन 10:30 बजे, सुबह उनको कॉल किया था, वो सिलेंडर दे करके लगा करके भी चले गए थे। गाइस खाना बन चुका है, जे बनी है सब्जी, मम्मी डाल रहे हैं, मेरी प्यारी मोम हमारी रोटी को घी। इधर लीवी 52 भी लेकर के आए हैं, पेट में थोड़ी दिक्कत समस्या चल रही थी, तो अभी लेकर के आया हूँ। गैस गुस बन रही है, हरी मिर्च लेगा, हरी मिर्च, हाँ जे मिर्च डाल दो गाइस, जे मिर्च का चार है। सो भी गाइस भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, टाइम हो चुका है, मुझे खुद नहीं पता, 9:11 खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा बाहर सैर करके आते हैं। तो आज का दिन कुछ ऐसे रहा,
ज़्यादा कहीं जा भी नहीं पाए तो अभी जल्दी से खाना खाते हैं। तो ये जो मिर्च रखी हुई है ना, इतनी सारी मैं ही नहीं खाऊंगा, ये बीच में से काट दी है, आधी मम्मी की है आधी मेरी है। तो गाइस खाना पीना हो गया है तो थोड़ा सा बाहर सैर कर लेते हैं, तो खाना पच भी जाएगा, आकर के लीवर 52 दवाई पी लेते हैं। तो अभी निकलते हैं, पापा अभी खा रहे हैं मूंगफली, सामने लगे हुए हैं। बारिश का गाइस इंतज़ार करते रहे लेकिन बारिश हुई नहीं, मौसम मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही हो गया, बाकी कल का वेट करते हैं कल बारिश होती है कि नहीं होती है। तो कुल मिला के ये माहौल है, लोगों ने गाड़ियाँ गुड़ियाँ अपनी ढक दी हैं, नहीं तो ना ऊपर जानवर बीठे बहुत कर देते हैं, सुबह तक तो ये गाड़ी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सारी की सारी गाड़ियाँ इसी प्रकार लगी रहती हैं साइड को, कुछ दुकानें खुली हैं कुछ दुकानें बंद हैं। कुल मिला के गाइस रोड पे आ गए हम, अभी रास्ता जी जा रहा है तो थोड़ा आगे तक चलते हैं। तो अभी गाइस जितना टहलना था उतना टहल लिया, अभी बस चलते हैं घर की तरफ वापस, मंदिर बंद हो चुका है पीछे। आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले हुआ करता था, पीछे से इतना ट्रैफिक नहीं है, आज बहुत कम है, लोग अपने घरों को चले गए होंगे टाइम पर ही। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम घर। आज का ब्लॉग जो मैं अपलोड करूंगा तो आज पूरे कंप्लीट 100 ब्लॉग हो जाएंगे, तो पता नहीं चला समय कैसे बीता गया, 100 ब्लॉग कैसे डाल दिए गए और प्रतिदिन ब्लॉगिंग चलती रही, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी महीना भी नहीं हुआ ब्लॉगिंग की शुरुआत की को। तो 100 दिन 100 ब्लॉग एवरी डे ब्लॉग डालना और भी ज़्यादा कार्य करने बहुत मुश्किल है, लेकिन करने पर आ जाए तो आसान भी लगता है। तो अभी बैठे हुए हैं, अभी पहले दवाई पी लूँ मैं। गाइस इसके 2 स्पून डालूंगा, 2 पानी के डालूंगा, बाकी कहते हैं कि सूखी पी जा सकती है। गाइस दवाई बन करके तैयार है, 2 स्पून डाले दवाई के 2 पानी के, अभी गड़गड़ करके पी जाते हैं इसको। अब हमें भूख और लगेगी, 4 की जगह 6 रोटी खाएंगे इससे भूख भी लगती है पेट भी सही रहता है। वैसे जिसको भूख नहीं लगती ना 6 महीने में एक बार जे खा ले। सो गाइस रात्रि के टाइम तकरीबन 12 बजने लगे हैं, अभी ब्लॉग एडिट करके अपलोड पर भी मैंने लगा दिया है, दूध भी लेकर के मम्मी आ गए हैं, और साथ में जे क्या होता है इसको देख लीजिए, मूंगी होती है हमारे सर्दी में खाई जाती है। और बस ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।